अज भी इस कहानी विच दसांगा कि दो लड़कियां दे चुंगल दे विचों किमें बचिया नौजवान। लड़का बहुत खूबसूरत सी, पढ़ रहा सी और उसे ही क्लास दे विच दो लड़कियां भी सन जो उस लड़की नू दिलों मुहब्बत करदियां सी। लेकिन उन्हां दे विचों एक लड़की ता उस उपर इन्नी फिदा हो चुकी सी कि जिन्हां नू बयान नहीं किया जा सकता। लड़कियां दोवें होस्टल विच रहिंदियां सी, लड़का किसी पिंड विचों आउंदा सी। लेकिन वो लड़का एक चंगे परिवार दे नाल संबंधित सी, लड़कियां भी चंगे परिवार दे नाल ही संबंधित सी। पर जदों दिल विच कोई बेईमानी आ जावे तां उस बिना चंगे माड़े की परख कौन करता है। हर रोज़ लड़के की माँ उसनू कदे किसी तरह के भोजन पकवान बना के उसनू खाण वास्ते उसके डब्बे दे विच पैक करके बैग विच रख दिंदी। वह तिन्ने ही इकट्ठे बैठ के खांदे। एक दिन दोहां लड़कियां ने कोई प्यूंत बनाई कि क्यों ना इस नूं आपां किसी पहाड़ी इलाके विच लैके दो चार दिन रहीए। उन्हां लड़कियां ने प्लैन कीता है और लड़के ने भी कहा कि ठीक है, मैनूं कोई इतराज़ नहीं है, आपां इन्ने अच्छे दोस्त हैं, आपां जा सकते हाँ। उन्होंने प्लैनिंग की ते ओ शिमले लई रवाना हो गए। शिमले लई रवाना हो गए, उन्होंने उत्थे कमरा बुक कराया। लड़कियां ने यह सोचा कि असी एक कमरा ही बुक करवावांगियां और लड़के ने बड़ी ही चलाकी दे नाल एक रूम अलग तो बुक करवा लिया। सारा दिन घूमते रहे, पहाड़ियों का आनंद लेंदे रहे और प्लैनिंग के मुताबिक शाम ढली तो वह होटल विच आ गए। जदों होटल दे विच आए तां उन्हां लड़कियां ने कहा कि चलो थोड़ी देर फ्रैश हुंदे आ, उस तो बाद डिनर करके आपां आराम करदे आ। लड़का जे तक उन्हां दे कमरे विच ही सी और लड़कियां फ्रैश हो के बाहर आईयां। जदों बाहर आईयां तां उसने वेख्या कि लड़का कमरे विच नहीं है। उन्होंने आले दुआले वेख्या, चलो वैसे कितें घूमण गया होएगा, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा। लेकिन इंतजार करदियां करदियां अद्धी रात लंघ गई पर उसका कोई पता थौ नहीं लगा। बार बार उन्होंने फोन भी ट्राई किया पर स्विच ऑन करके उन्हों का फोन भी नहीं मिल सकिया। वो लड़कियां सारी रात तड़फदियां रहियां लेकिन लड़का अपने कमरे विच मस्त सौं के सवेरे उठ्या। सवेरे उठ्या उठते सार उसने अपना समान पैक किया, कमरे लॉक लगाया, चाबी रिसेप्शन ते दित्ती ते उतो खिसक गया। अजे तक उसका फोन बंद सी। उन्हां लड़कियां नूं कुछ नहीं सी पता कि वह इस टाइम कित्थे है कित्थे नहीं है, बस पकड़ी वो अपने पिंड आ गया। लड़कियां ने जदों देखिया कि वह पता नहीं कित्थे है, उन्होंने भी कमरा लॉक किया, समान पैक करके बाहर आ गए और रिसेप्शन ते चाबी दित्ती, पैसे दित्ते ते उस तो बाद जदों अजे तक उसका फोन नहीं मिलिया ते उन्होंने बस पकड़ी ते वो आ गए। जदों वो आए तो दूसरे दिन वो लड़का भी कॉलेज विच आया ते लड़कियां भी। लड़के नूं वेख के वो हैरान रह गईयां क्योंकि उन्होंने दिल का पाप जिहड़ा सी वो लड़के ने वेख लिया सी। लड़के ने उन्हां दे दिल दे पाप नूं इस कदर महसूस किया कि ये कुछ भी कर सकदियां ने और शरीफ लड़का होण दे बावजूद अपनी इज्जत बचा के उत्थों भज आया। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे लड़के अच्छे ने जिहड़े कि उन्होंने अपने आप नूं भी बचाया प्लस उन्हां लड़कियां दी भी इज्जत बचाई है। सो इस करके कदे भी दोस्ती दे विच इस तरह दीआं भावनावां दिल दे विच रखणियां शायद साडे लई अपने वास्ते ही नुकसान का एक है। जदों आपां किसे नूं दोस्त जां रिश्तेदार ही बना लिया तो इस तरह दीआं भावनावां फिर जिंदगी का सब तो वड्डा कमीनापन है। सच्चाई चेहरे तो पढ़ी जा सकती है, संबंधों बारे भी और नजायज़ संबंधों बारे भी। मौजूदा हालातों ते नज़र मारीए तां इंसान तरह तरह दीआं बीमारियां नाल जूझ रहा है। इंसान बीमारियां तो छुटकारा पाउण लई तरह तरह के उपराले भी करता है और जिवें तुहाडे दुखां नूं मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया
जिस द्वारा 125 बीमारियों का इलाज किया गया। तो हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानू दुखां तो नजात दवाउण लई हाज़र है, फीर लीव पावर, जिस दे नाल तरां तरां दीआं कमजोरियां नू दूर किया जा सकता है, जिमें मरदाना कमजोरी, अंतरियां दी सोजिश, पेशाब विच जलन, दिल दी कमजोरी, खून दी कमी अते दिमाग नू तेज़ करता है। अलग अलग लैबोरटरियां तो आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टैसट हो के आप सब दे रूबरू है, और जिस दे विच कई तरह दीआं आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह के पसम मिला के तैयार किया गया है। वह नौजवानों लई बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है। जो नौजवान मरदाना कमजोरी नाल जूझ रहे ने, वह हुण फीर लीफ पावर का इस्तेमाल करन तो बाद दोबारा खोई हुई मरदाना ताकत नूं हासिल कर सकते ने। यह मेडिसन 100% आयुर्वैदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तुसी वधेरे जानकारी लई संपर्क कर सकते हो 94784 84087।